हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बी फॉर्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हम अभी तक डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, डोसेज फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमने स्टडी किया है, लेकिन स्टूडेंट्स उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? तो स्टूडेंट्स ऐसा ही एक डोसेज फॉर्म जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं उसके आज इवैल्यूएशन हम करेंगे, और इवैल्यूएशन में भी उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आज हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा सस्पेंशन की स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले आपको लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारा सस्पेंशन जो है उसका इवैल्यूएशन कैसे रहने वाला है। नंबर वन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। नंबर टू, डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन। नंबर थ्री, रीडिस्पर्सिबिलिटी। नंबर फोर, रियोलॉजिकल मैथड्स। नंबर फाइव, इलेक्ट्रोकाइनेटिक टेक्निक्स। और नंबर सिक्स, पार्टिकल साइज चेंज। तो आइए अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के बारे में। स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता हूं मैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है क्या। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम अगर आप बात करें, आपने मेजरिंग सिलेंडर में सपोज क्या लिया, आपने सस्पेंशन डाल दिया, आपको उसकी एक अल्टीमेटली हाइट पता है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम आपने लेट से 50 ml तक फिल किया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे सस्पेंशन सेटल होगा, तो वो जो होगा वो उसका फाइनल वॉल्यूम होगा। तो ये जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है ये है क्या, ये रेशो है फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम आपका कौन सा है, बिफोर सेटलिंग वाला जो कि 50 था जब आपने 50 तक लिया, या फिर अगर 25 मेजरिंग सिलेंडर का था तो 25 तक लेंगे, अगर 100 का होगा तो वो 100 वाले को कंसीडर किया जाएगा। और इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, F इजिकल टू वी यू। वी यू कौन सा है, आपका अल्टीमेट वॉल्यूम, और वी ओ क्या है, आपका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी किया जाता है इसका, तो साथ में थ्योरी के साथ हमारा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होने वाला है आज। तो सस्पेंशन जो है उसको हम लेंगे एक मेजरिंग सिलेंडर में, टू डिफाइन जो एक पर्टिकुलर हाइट होगी वहां तक लिया जाएगा, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। हमें बार बार शेक नहीं करना, अगर हम शेक करते रहेंगे तो फिर वो धीरे धीरे सेटल डाउन ही नहीं हो पाएगा, तो हमें अनडिस्टर्ब रखना है। एंड पार्टिकल विल सेटल एट अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल सेटल ग्रेजुअली एक्चुअली, एंड द वॉल्यूम ऑफ एफ इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। क्योंकि आपको एक क्या चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता है कहां तक आपने किया था, अल्टीमेट वॉल्यूम या फिर जो आपका फाइनल वॉल्यूम निकल के आया, दो आपने एक टाइम पीरियड देखा, लेट से आपने 15-15 मिनट के इंटरवल पे आपने देखा, 15 मिनट के बाद कितनी सेटलिंग हुई, आधे घंटे के बाद कितनी सेटलिंग हुई, एक घंटे के बाद कितनी सेटलिंग हुई, दो घंटे के बाद कितनी सेटलिंग हुई। तो आपको क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वॉल्यूम मिलने वाला है, और उसकी वजह से जो आपका प्लॉट है वो भी आपका बढ़िया बन पाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ एफ इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ एफ, जो एफ क्या है आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। जो मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जो हैं उसके अगेंस्ट में आपको एक डाटा मिलता जाएगा, वो डाटा आपने इस वॉल्यूम से निकाल लिया है, और उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन। स्टूडेंट्स इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन क्या है, यहां गौर फरमाइएगा, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन ऑब्लिक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमने ऊपर पढ़ा है, वो क्या है, एफ इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी ओ। अब यहां पे देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें डीफ्लॉक्युलेटेड और फ्लॉक्युलेटेड को अलग अलग करना है। इसको हमने डिफाइन किया एफ से और इसको डिफाइन किया एफ इंफिनिटी से। तो यहां पे आप देखिए सेम वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने ऊपर लगाया था कि वी इंफिनिटी अपॉन वी ओ, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट ओरिजिनल वॉल्यूम है वो तो 50 है, दोनों के केस में वही रहेगा, यहां पे कुछ अलग आ सकता है। तो ये है क्या, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ जो आपका डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है ऑब्लिक ये हमारा वी नॉट क्या है, सॉरी वी इंफिनिटी क्या है, अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन, और वी नॉट ओ क्या है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। सिमिलरली हमने फ्लॉक्युलेटेड के साथ ये निकाला। अब हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन, वो देखिए। अब यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला ये बन के आया, एफ अपॉन एफ इंफिनिटी, एफ की वैल्यू हमने लिख दी वी यू अपॉन वी नॉट, जो कि ये गिवन थी वी यू अपॉन वी नॉट, और वी इंफिनिटी जो है वो क्या दे रखा है, वी इंफिनिटी सॉरी एफ इंफिनिटी क्या है, वी इंफिनिटी अपॉन वी ओ, तो यहां पे हमने रख दिया। इसको जब हम कट करेंगे तो इट विल कम आउट वी यू अपॉन वी इंफिनिटी। अब इसको हमें टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या बन गया, वी यू क्या था, अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन,
और ये क्या था, अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो हमारी जो डिग्री ऑफ, जो हम बात कर रहे थे फ्लोकुलेशन, इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके लिए दो चीजें चाहिए, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड ऑब्लिक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डी फ्लोकुलेटेड। दोनों पैरामीटर सेम है, दोनों की अलग अलग होगी, उसको कंपैरिजन करना है, उसके कंपैरिजन से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक और चीज आती है सस्पेंशन के साथ, वो आती है रीडिस्पर्सिबिलिटी। हमने सस्पेंशन तो लिया, लेकिन सस्पेंशन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इतना हार्ड केक डिपॉजिट हो गया तो वो हमारा सस्पेंशन अच्छा नहीं कहलाएगा। हमें उसके अंदर पार्टिकल साइज जो है उसको भी काउंट में करना बड़ा जरूरी है, वो भी देखना बड़ा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि रीडिस्पर्सिबिलिटी क्या है। इट इज अगेन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि अगर मेरा सस्पेंशन हम जब उसे सेट आफ्टर कुछ टाइम के लिए रख देंगे और वो अगर सेटल अगर हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन रीडिस्पर्स अगर नहीं होता, ऑल दो हमने सस्पेंडिंग एजेंट इसीलिए डाला है ताकि वो जल्दी से सेटल डाउन ना हो, लेकिन अब होगा क्या कि जब आप उसे सस्पेंडिंग एजेंट बहुत फाइन फॉर्म में है तो उससे क्या होगा कि इट विल टेक सम पीरियड ऑफ टाइम। अब नीचे नीचे जब वो उसमें डिपोजिशन होगा, जब सेडिमेंट डाउन होना चालू होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे वो बहुत नेटवर्क स्ट्रांग बन जाए और वापस रीडिस्पर्स ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, एक मैकेनिकल शेकिंग डिवाइस होता है, जो एक सिमुलेटर होता है हमारी सिंपल, जैसे ह्यूमन आर्म है, जैसे हम कुछ लेंगे, आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है या फिर आपने मेजरिंग सिलेंडर में जब आप रखेंगे तो उसको आप शेक करेंगे, तो सेम ऐसे ही एक मैकेनिकल शेकिंग डिवाइस हम यूज करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि रीडिस्पर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है रियोलॉजिकल मैथड। रियोलॉजिकल मैथड अगेन इट इज रिलेटेड टू समवट विस्कोसिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर यूज करते हैं उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। रियोलॉजिकल जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके लिए हम ब्रूकफील्ड इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक टेक्निक्स। बेसिकली इसके अंदर हम माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स यूज करते हैं। होता क्या है, मूवमेंट होती है जो पार्टिकल्स की, वो नोट कर ली जाती है। इट परमिट्स मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक टेक्निक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, जिसके अंदर जो माइग्रेशन हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है, वो सारी की सारी नोट डाउन हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम जीटा पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज चेंज। अभी क्या होता है, जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन को हमने रख दिया, स्टोर किया, या फिर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है किस चीज की, टेम्परेचर की। कई बार टेम्परेचर हमारे पार्टिकल साइज को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके लिए हम कैसे अपनाएं, कैसे हम बेसिकली, जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ जाएगा तो उस मार्केट में प्रोडक्ट को आने के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे, तब तो फायदा नहीं है, तो इसलिए पहले ही हमें उसको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्रीज थो साइकिल। इसमें क्या होता है, हमने पहले रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, हम रेफ्रिजरेटर के रखने के बाद इसको इमीडिएटली फिर रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। जब ये सडन फ्लक्चुएशंस होती है ना, तो इसकी वजह से ना क्रिस्टल की ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। और जब हमें लगेगा कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, और हमारे देखो अच्छा सस्पेंशन होगा, स्टेबल सस्पेंशन होगा, तो ग्रोथ नहीं होगी, और अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पार्टिकल साइज में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन स्टेबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी, तो इसके अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर्स बताने हैं, सबसे पहले सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेकंड नंबर पे डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन, थर्ड नंबर पे आपको बताना है रीडिस्पर्सिबिलिटी, फोर्थ नंबर पे रियोलॉजिकल मैथड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक टेक्निक, एंड नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज चेंज। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे MVN फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल, जो कि आई थिंक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मिलने वाली जितने भी वीडियोज हों वो आप तक पहुंच सकें, और मैं आपको यूट्यूब पे जो भी कमेंट करेंगे तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।